हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी टॉप 40 टिप्स एंड ट्रिक्स। और फ्रेंड्स, मेरे पास है रेडमी का फ़ोन है। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट टिप्स ये होता है कि आप शॉर्टकट वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं। होम स्क्रीन को प्रेस कर रखते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर आप प्रेस कर रखेंगे इस तरीके से, तो आपको यहाँ दिखता है वॉलपेपर। यहाँ से आप वॉलपेपर सेटअप कर सकते हैं एंड इसके बाद बैक करें। यहाँ से अगर सेटअप करना तो यहाँ से कर लेना एंड यहाँ और उसकी सेटिंग जाते हैं। जिस सेटिंग में आपको दिखता है, पहले आपको ट्रांसलेशन इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कैसा आपका ट्रांसलेशन इफेक्ट चाहिए, साइड या फिर ट्रबल, जैसा भी आपको चाहिए वैसा रख सकते हैं। मेरे को साइड चाहिए, डन पे क्लिक कर देंगे तो साइड बार आ जाएगा, मतलब साइड से ट्रांसलेशन इफेक्ट आ जाएगा। और इसके बाद आपको होम स्क्रीन लेआउट जो साइज़ होता है कितना चाहिए वो भी आप अपने हिसाब से सेटअप कर सकते हैं। मैनेजमेंट एंड 4.6 रख रखी गई मैंने एंड मोड के ऑप्शन जाते हैं तो मोड पे आपको ये सब देखने को मिलेगा। और गाइस, इसमें एक ऑप्शन है सिस्टम नेविगेशन, इसका मतलब होता है कि फुल स्क्रीन गेस्चर भी कह सकते हैं आप इसे। एंड आप इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखेगा जो बटन है वो बैक वाला बटन, लेफ्ट एंड राइट कर सकते हैं। जब इसे ऑफ़ करते हैं ये वाला बटन, तो आपका जो है वो ऑफ़ हो जाता है। तो ये बैक वाला बटन लेफ्ट एंड राइट इस तरीके से होगा। अगर ऑन करते तो इधर पहले जैसे हो जाता है। गेस्चर पे क्लिक करते तो आपका जो बटन है वो हाइड हो जाएगा, देख सकते हैं। जब हाइड कर गए, मतलब हाइड हो गए तो कैसे बैक करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो है बैक होगा। अब ये ऑन नहीं होगा तो गाइस मैं ऑफ कर रही हूँ। इस तरीके से आपका बैक होगा और जैसे भी बैक होगा तो गाइस देख सकते हैं पूरा बैक हो गया। अब ये अगर होम स्क्रीन को ऐसे प्रेस कर रखते हैं तो आपका जो है और मतलब होम इस तरीके से होता है ये। एंड तो इस तरीके से आप प्रेस करके रखेंगे तो वापस सेटिंग को ही ओपन करेंगे। एंड इसके बाद आपको फिर सॉरी गाइस मैं सेटिंग हम होम स्क्रीन को प्रेस करके रखना होगा आपको, तो होम स्क्रीन को फिर से प्रेस करके रखेंगे इस तरीके से। एंड तब आपको सेटिंग में जाना है, फिर मोर के ऑप्शन पे जाना है, फिर सिस्टम नेविगेशन में क्लिक करना है। तो इधर से बैक होता है, इधर से होम होता है, जैसे इसमें बता रहे वैसे आपको करना होगा। और इसके बाद बटन्स पे क्लिक करते तो आपको फिर से बटन शो होने लगेगा। तो इस तरीके से यूज़ करेंगे आप सिस्टम नेविगेशन को एंड इसके बाद बैक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ दिखता है आइकन साइज़, यहाँ से आइकन साइज़ कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जितना आपको चाहिए साइज़ उतना आप बड़ा कर सकते हैं। मैं इतना रख रही मीडियम एंड इसके बाद बैक करेंगे। इस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं आइकन साइज़। एंड गाइस, इसके बाद यहाँ से हम बैक कर देंगे। और ये था कुछ होम स्क्रीन को प्रेस करके रख कर जो सेटिंग थी। अब हम नोटिफिकेशन में जाते हैं तो आपको उसकी सेटिंग में जाना होगा। तो नोटिफिकेशन स्क्रॉल सेंटर पे जाते हैं, उसकी सेटिंग में जाते हैं। तो आपको मैं इस सेटिंग से आपको ये बता देती हूँ। तो सेटिंग को ओपन करेंगे आप। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये वाला ऑप्शन। एंड आप इस पे जाएंगे ऑलवेज एंड डिस्प्ले लॉक स्क्रीन, एंड इस पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है ऑलवेज एंड डिस्प्ले। सो ऑन कर देंगे ऑलवेज एंड डिस्प्ले में आप कौन सा क्लॉक स्टाइल सेटअप करना चाहेंगे, क्लॉक स्टाइल भी कह सकते हैं आप इन्हें। तो जैसे कि मैं मून वाला ये वाला सेटअप करना चाहती हूँ। एंड कलर कैसे रखना चाहते हैं, ये जो ये आपको दिख रहा है लिखावट उसका कलर कैसे रखना चाहेंगे वो भी आप मैनेजमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। तो मैं पिंक रख रही हूँ और इस तरीके से अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तब ये सेटअप हो जाता है। तब इसका सेट अगर देखना हो तो आप स्क्रीन को ऑफ करेंगे, ऑफ करना होगा उसके लिए। और इसके बाद आप टैप करते इस तरीके से तो आपको देख सकते हैं ऐसे क्लॉक स्टाइल सेटअप हो जाता है। तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं गाइज। एंड और ये था कुछ ऑलवेज डिस्प्ले की सेटिंग है। नोटिफिकेशन इफेक्ट चेंज कर सकते हैं ऐसे। नोटिफिकेशन इफेक्ट मतलब कि अगर आपके पास कोई नोटिफिकेशन आता है तो उसका इफेक्ट कैसा चाहिए आपको वो सेटअप कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसका पिंक रख रही हूँ। आप बबल्स ये लाइटिंग वाले भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बट मैं ये वाला सेटअप कर लेते हैं स्टार लाइट का। एंड इसके बाद बैक करेंगे, बैक करते आपका जो सेटअप हो जाता है। एंड अगर स्क्रीन आपका जो फ़ोन का स्क्रीन है मिनट मिनट पर ऑफ होता है तो वहाँ पर जो टाइम है इंक्रीज़ करने का ऑप्शन है यहाँ पर, तो आप उस पर स्लीप पे क्लिक करें, यहाँ से टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं 10 मिनट तक सेटअप कर रखी हूँ। आप 30 सेकंड तक सेटअप कर सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 15 सेकंड, हर एक आपको जो जिस में ऑप्शन दिखेंगे वही आपको दिखेगा। तो 10 मिनट तक लास्ट ऑप्शन था, तो मैंने 10 मिनट तक ही सेटअप करी है। एंड गाइस, इसके बाद यहाँ पे आपको दिखेगा राइस्ट ओवे की ऑन करने की। इस ऑन करने से ना ये होता है कि आपके पास कोई कॉल आता है तो कॉल को रिसीव करने के लिए आपको फ़ोन को ईयर के पास लेके जाना होगा और कान के पास लेके जाते हैं फ़ोन को सीधे, तो आपका कॉल ऑटोमेटिक रिसीव हो जाता है। तो ऐसे ही इसलिए इसका यूज़ किया जाता है गाइस, राइस्ट ओवे का। एंड इसके बाद बैक करेंगे, बैक करने के बाद आप डिस्प्ले की सेटिंग में जाते हैं। डिस्प्ले में आपको एक ऑप्शन दिखता है डार्क मोड, इस ऑन करते हैं तो आपको ये डार्क हो जाता है। लाइट पे क्लिक करते हैं लाइट हो जाता है गाइस। इससे लाइट मोड अगर रात के समय आप फ़ोन चलाते हैं तो लाइट मोड ऑन है, जिससे कि आपकी आँखें वीक हो सकती हैं। अगर आपके मतलब आँखें सही रखना है तो आप डार्क मोड ऑन कर लेना रात के समय,
ऐसे यूज़ कर सकते हैं डार्क मोड का, बहुत अच्छा होता है ये। डार्क मोड ऑन करने से एक तरीके से आपको लगे वॉलपेपर है ब्लैक वॉलपेपर, तो इस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं यहाँ पे जाकर। एंड इसके बाद आप और ऊपर स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ दिखता है रीडिंग मोड, एंड रीडिंग मोड ऑन करते तो ये थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा, देख सकते हैं। रीडिंग मोड वही हो गया जैसे कोई बुक रीडिंग करते, तो ज़्यादा ब्राइटनेस पढ़ने पर आपके मजा है वो थोड़ा वैसा हो जाता है। तो रीडिंग मोड ऑन कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। एंड इसके बाद बैक करेंगे जिसे भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपको यहाँ दिखता है फ्रंट, फ्रंट पे जाते हैं तो फ्रंट स्टाइल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। एंड फॉर फाइल पे क्लिक करते हैं तो अगर आपको अपना सेटअप करना है तो फ्रंट पे ऐसे जाकर अपना वाला सेटअप कर सकते हैं। अगर डाउनलोड किया तो उसमें आ जाएगा। एंड टेक्स्ट साइज़ कितना रखना चाहेंगे, जिन्हें देखने में प्रॉब्लम होता है उनके लिए सही रहता है। जैसे लॉन्ग जितना आपको रखना उतना रख सकते हैं, मैं स्मॉल ये वाला रख ली लेंथी। एंड इसके बाद बैक करेंगे इस तरीके से सेटअप हो जाता है, देख सकते हैं। एंड और गाइस और ऊपर स्क्रॉल करते हैं ऑटो रोटेट स्क्रीन दिखेगा आपको, यहाँ से ऑटो रोटेट कर सकते हैं। स्क्रॉल सेंटर स्टेटस बार पर जाते हैं तो आपको यहाँ पे, और ये गाइस यहाँ पे आप शॉर्टकट यहाँ से भी सेटअप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। बट ये बैक करते थे यहाँ पे भी आपको दिख जाता है सेटिंग के अंदर। और डिस्प्ले की सेटिंग हो गया गाइस। अब हम इसकी बात कर लेते हैं साउंड एंड वाइब्रेशन में, आप रिंगटोन ये सब चेंज कर सकते हैं। एक ऑप्शन होता है इसके अंदर डू नॉट डिस्टर्ब, अगर ये ऑन होगा तो ऑफ कर लेना। इसे ऑन करने से आपका जो कॉल है वो साइलेंट पर रहेगा। मैसेज एंड नोटिफिकेशन ये सब, आपके पास कोई मैसेज कॉल आएगा तो आपको पता ही चलेगा इसलिए, क्योंकि वो साइलेंट पर चला जाता है इसे ऑन करने पर। और चाहे तो अगर कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो कॉलेज में फ़ोन लेकर जाना अलाउ होता है, तो उसमें बोलते हैं कि स्टडी करते समय साइलेंट पर रखना होता है फ़ोन को, तो यहाँ से आप साइलेंट मोड ऑन कर देंगे तो आपका फ़ोन जो है कॉल वो साइलेंट पर रहेगा। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं इसका। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पर देखते हैं नोटिफिकेशन कॉल सेंटर, और आप इस पर जाते हैं तो आपको यहाँ नोटिफिकेशन इनफैक्ट यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ करना है तो ऐप नोटिफिकेशन भी क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे किसी भी ऐप का नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके से ऑफ होता है एंड इस तरीके से ऑन होता है, तो इस तरीके से यूज़ करेंगे। और इसके बाद और बस स्क्रॉल करते तो स्क्रॉल ये वाला सेटअप करेंगे, स्क्रॉलिंग सेंटर स्टाइल। एंड आप कैसे रखना चाहिए नोटिफिकेशन जो वो वर्ल्ड में, मतलब कि पुराने भी इस तरीके से होता है, न्यू वर्जन में इस तरीके से आपको दिख जाएगा। एम ऑल्ड रख ली गाइस। एंड इसके बाद बैक करेंगे और यहाँ पे आपको दिखता है ये था। एंड स्टेटस बार पे जाते हैं, स्टेटस बार में आपको एक ऑप्शन दिख जाता है और ये वाला ऑप्शन गाइस। एंड तो आपको यहाँ दिखता है बैटरी, एंड बैटरी परसेंटेज शो करना होता है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक है तो कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा, अगर इस पर क्लिक है तो बैटरी के अंदर बैटरी परसेंटेज शो होगा, अगर इस पर क्लिक करते हैं लास्ट वाले भी तो आपको बैटरी परसेंटेज बैटरी के बाहर शो होगा। इसे कहते हैं आउटसाइड द बैटरी आइकन, और सेकेंड वाले को कहते हैं इनसाइड द बैटरी आइकन, इसे कहते हैं नॉन, यानी कोई बैटरी परसेंटेज शो नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं लास्ट वाला थर्ड वाला सेटअप करी तो ये वाला बैटरी परसेंटेज शो हो रहा है, देख सकते हैं 73 मतलब परसेंटेज शो हो रहा है मेरे में। एंड यहाँ से ऐप हाइड कर सकते हैं, नॉच हाइड, सॉरी गाइस, एंड नॉच हाइड करना होता है इस तरीके से नॉच हाइड कर सकते हैं, इसे अनहाइड करने तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। एंड इसके बाद बैक करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ फिर से बैक करेंगे और ये था कुछ सेटिंग्स। एंड फिर बैक करेंगे गाइस, ये था नोटिफिकेशन कॉल सेंटर की सेटिंग। एंड होम स्क्रीन पर आपको यहाँ दिख जाता है वॉल पेपर ये, एंड सिस्टम नेविगेशन वही जो मैं आपको होम स्क्रीन को प्रेस करके बताई थी वही वाला होम स्क्रीन सेटिंग है ये। वॉल पेपर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से थीम चेंज कर सकते हैं, अगर स्क्रीन लॉक सेटअप करना चाहिए यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। एंड गाइस अगर ऐप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो ऐप्स पे जाएंगे, उसके बाद आपको सिस्टम ऐप सेटिंग भी जाना होगा। कोई भी ऐप ले रहे हैं कोई जिस ऐप में प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे ऑल ऐप्स वो नहीं हो रहा गाइस। एंड मैनेजर में ऐप्स पे क्लिक करना होगा शायद, हाँ इसे भी क्लिक करना होगा, इससे सभी ऐप्स शो हो जाते हैं। एंड किसी भी ऐप पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ से अगर प्रॉब्लम है तो आप क्लियर डाटा कर देना उस ऐप को, तो आप क्लियर डाटा करते उस ऐप का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। और यहाँ से चाहे तो ऐप लॉक भी आप सेटअप कर सकते हैं। एंड बैक करेंगे एडिशनल सेटिंग में जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में डेटा टाइम और लैंग्वेज ये सब चेंज कर सकते हैं। गेस्चर शॉर्टकट की बात कर रहे थे तो आपको यहाँ दिखता है लॉन्चर गूगल असिस्टेंट, इसे ऑन करते तो पावर बटन को 5 सेकंड दबा के रखते थे आपको गूगल असिस्टेंट ऑन हो जाता है, यानी कि आप उसे प्रेस करके रखते तब भी आपको ऑन हो जाता है। एंड टेक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं 3 फिंगर से और वॉल्यूम बटन पावर बटन से, दोनों से देख सकते हैं, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लॉन्चर कैमरा का ऑप्शन है टॉर्च ऑन, टर्न ऑन टॉर्च, एंड टॉर्च ऑन करना चाहिए डबल टैप क्लिक करेंगे पावर बटन में, डबल बार टैप करेंगे तो आपका जो टॉर्च ऑन हो जाएगा। एंड बैक करेंगे यहाँ से वन हैंड मोड का यूज़ कर सकते हैं, जिनको एक हैंड से फ़ोन चलाने का शौक है तो वो वन हैंड मोड का यूज़ कर सकते हैं गाइस, छोटा हो जाता है बस साइज़। एंड यहाँ से और ऊपर की स्क्रॉल करते हैं यही सब ऑप्शन जगह जिसमें
और साउंड इफेक्ट चेंज करना, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं गाइस। और यहाँ से एसेसिबिलिटी में आपको वो टॉकबैक जो होता है उसे ऑफ़ करने का ऑप्शन होता है। टॉकबैक पे एसेसिबिलिटी पे जाते हैं तो वर्जन भी क्लिक करना होता है टॉकबैक को ऑफ़ करने के लिए, बट टॉकबैक ऑफ आपका वॉल्यूम बटन से ही हो जाएगा। वॉल्यूम बटन को 3 सेकंड प्रेस करके रखते तो आपका टॉकबैक ऑफ हो जाता है। तो मैं इसे बैक कर रही हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिखता है स्पेशल फीचर्स पे जाते हैं तो आपको यहाँ दिखता है गेमिंग ट्रबल एंड ये सब, तो इसमें मैं अभी ये बैक कर रही हूँ। अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है तो गूगल पे जाएंगे और या फिर आईएमआई अकाउंट पे, इसमें नहीं जाना आपको, उस पर जाना अकाउंट सेंडिंग, इस पर जाएंगे तो लॉगिन कर सकते हैं, यहाँ से अकाउंट डिलीट कर सकते हैं गूगल पे जा, बट इस पर जाना होगा आपको अकाउंट्स पे। और इसके बाद बैक करेंगे और तो आप यही सब सेटिंग थे गाइस जो इंपॉर्टेंट थे मैं आपको बता चुकी हूँ। और गाइस और कैमरे के कुछ फीचर्स देख लेते हैं, तो कैमरे भी जाते हैं तो कैमरे में आपको दिख जाता है। एंड ये जूम टेस्टिंग देख लेते हैं, जूम होगा आपका 10x तक होगा गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे 10x शो हो रहा है। और गाइस और इसे जो ये ऑप्शन दिखता है यहाँ पे गूगल लेंस का ऑप्शन होता है, जैसे गूगल की तरह यूज़ कर सकते हैं आप इसे। एंड इसके 3 लाइन पे जाते थे, यहाँ पे आपको दिखते हैं टाइमर, अगर आप फैमिली के साथ फोटो क्लिक करवा रहे थे यहाँ पे आप टाइमर भी लगा सकते हैं गाइस। और यहाँ पे जो साइज़ होता है कैमरे की साइज़ 9.16 3.4 है अभी, तो 9.16 रख सकते हैं या फिर फुल रख सकते हैं अपने हिसाब से। इसकी सेटिंग में जाते तो आपका एक ऑप्शन दिखता है लास्ट में, ये वाला ऑप्शन एंड डिफ़ॉल्ट रीस्टोर डिफ़ॉल्ट सेटिंग, इस पर जाएंगे ओके पे क्लिक करते तो आपका जो है फ़ोन रीसेट हो जाएगा, फ़ोन का सॉरी गाइस कैमरा रीसेट हो जाता है। कैमरा को रीसेट करते आपको जो भी प्रॉब्लम होता है इसके अंदर वो सॉल्व हो जाता है कैमरा प्रॉब्लम। एंड एग्री पे क्लिक करना होगा उसके बाद, सॉरी ऑफ नहीं करना होता है। वीडियो में भी इसी तरीके से कोई प्रॉब्लम तो वीडियो की सेटिंग में भी रीसेट करने का ऑप्शन होता है वो कर सकते हो। प्रोटेक्ट का ऑप्शन है, मोड पे जाते हैं तो आपको 48 MB का कैमरा, शॉर्ट वीडियो, प्रोग्राम, गैमा, डॉक्यूमेंट्स, वो मोशन जो वीडियो बनाते हैं उनके लिए एडिटिंग भी क्लिक करते तो और एडिटिंग जो एडिटिंग की गाइस सॉरी एंड एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ऐड करना होता है और भी ऐड कर सकते हैं मतलब कि। एंड ये सब था गाइस और कुछ कैमरे की सेटिंग ये थे। एंड और गाइस आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, इनमें से कौन सा ज़्यादा फीचर्स अच्छा लगा वो भी कमेंट में बताना। एंड तब तक के लिए नमस्कार।